देश में कोरोना की दूसरी लहर के प्रकोप के बीच उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में मानवीय संवेदनाओं को तार तार कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां चंद पैसों की खातिर कुछ लोग न केवल कोरोना संक्रमित मुर्दों के कफन का व्यापार कर रहे थे बल्कि कोरोना संक्रमण को भी बढ़ावा दे रहे थे। पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह को गिरफ्तार किया है जो शमशान घाट और कब्रिस्तान से कोरोना संक्रमित मुर्दों के कफन और कपड़े चोरी करता था और उन्हें व्यापारियों को सस्ते दाम में बेच देते थे, जिसके बाद खरीदने वाले व्यापारी उन्हीं कपड़ों पर ब्रांडेड कंपनियों का स्टिकर लगाकर महंगे दामों पर बेच देते थे, जिससे खरीदने वाले लोगों में भी संक्रमण का खतरा बढ़ जाता था। पुलिस ने इस गिरोह के पास से बड़ी संख्या में मुर्दों को उड़ाकर शमशान घाट कब्रिस्तान लाए जाने वाली चादरों सहित कपड़े फोन नामी कंपनियों के स्टिकर बरामद किए हैं। एक तरफ कोरोना की दूसरी लहर से लोग अकाल मौत के मुंह में समा रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कुछ ऐसे लोग हैं जो इन कोरोना संक्रमण से मरे हुए लोगों के कफन पर भी व्यापार कर रहे हैं। जनपद की बड़ौद कोतवाली पुलिस ने ऐसे 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है जो शमशान घाट और कब्रिस्तान में दीवार फांदकर मुर्दों के कपड़े और कफन चोरी किया करते थे, जिसके बाद उन पर ब्रांडेड कंपनियों का स्टिकर लगाकर उन्हें महंगे दामों पर बेच दिया करते थे, जिससे लोगों में कोरोना संक्रमण भी फैल रहा था। दरअसल गिरोह के इन लोगों का काम व्यापारियों को चोरी के कफन और कपड़े पहुंचाने का होता था, जिसके बाद खरीदने वाले व्यापारी उन पर बड़ी बड़ी कंपनियों का स्टिकर चिपका देते थे। पुलिस ने ऐसे व्यापारियों को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने पकड़े गए अभियुक्तों के पास से 520 मुर्दों की चादर, 127 कुर्ते, 140 सफ़ेद कमीज सहित महिलाओं के भी कपड़े बरामद किए हैं। ब्लॉक में या कस्बे में ये शिकायत बार बार प्राप्त हो रही थी कि एक दुकान से कुछ लोग जो कपड़े का व्यापार करते हैं वो शमशान घाटों से जो मृत व्यक्तियों के कपड़े चुरा कर उनको धोकर और पुनः उस पर फर्जी स्टिकर लगाकर ग्वालियर की किसी कंपनी का लगाकर फिर नए के रूप में बेच रहे हैं। इस प्रकार की शिकायतों पर बहुत थाने की टीम ने कल 7 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें से एक ही घर के प्रवीण कुमार जैन, आशीष जैन और ऋषभ जैन हैं और बाकी उनके 4 अन्य साथी हैं और उनसे इस टाइप के जो मृत व्यक्तियों के शमशान से चुराए हुए कपड़े और चादरें, गर्म शॉल और ग्वालियर कंपनी की कुछ रिबन और स्टिकर और जो ब्रांड के उसके लेबल, ये सब बरामद हुए हैं। इनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करके इनको जेल भेजा जा रहा है। क्या ये कोरोना जो मरीज आते हैं उनके भी ये जो भी शमशान में शवदाह के लिए जा रहे हैं वहाँ सभी के कपड़े ये इस तरीके से करके नए करके बेचते हैं धो के? किस तरीके से पता लगा है कि शमशान से लाना है? पुलिस को काफ़ी दिनों से ही शिकायत प्राप्त हो रही थी, इस पर पुलिस ने एक्शन लिया है। कितने कफन इनसे बरामद किए गए? इससे काफ़ी मात्रा में चादरें, पुरुष महिलाओं के कपड़े और गर्म शॉल और कई बंडल बरामद हुए हैं, क्योंकि पूरी दुकान की तलाशी ली जा रही है और दुकान को जब तक सील किया गया है। किस कंपनी का ये लेबल लगा कर बेचते? ये ग्वालियर की कंपनी का किसी लेबल लगाते हैं।